बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान रंगारंग शंदूर मेला सच गया। पोलो मैच और दीगर मुकाबले देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शेरिन ज़ादा। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पुख्तनख्वा और जिले इंतजामिया चतराल के जेर एहतमाम 3 रोज़ा शंदूर मेला जारी है। मेले में चतराल और गलगित बल्तिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही है। पैराग्लाइडिंग, कैलाशी रक्स, चतराली डांस और दिगर रंगारंग सरगर्मियों ने शायकीन का दिल मोल लिया। बहुत अच्छा है, अच्छा गेम चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि सबको आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। यहाँ हम लास्ट का टीम को सपोर्ट करें और हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शंदूर मेला देखने के लिए चतराल और गलगित बल्तिस्तान समेत मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शंदूर का रुख किया। मेरे लिए दोनों टीम बराबर है, लसपुर और गजर। हमारा आपस में भाईचारा है, रिश्तेदारियाँ हैं, हम एक दूसरे को ऐसे जानते हैं कि जैसे एक घर वाले हैं। ये मुकाबला तो अभी ये तो ये समझ लो कि गधा और घोड़े जैसा मुकाबला हो गया। अच्छा। लसपुर वालों ने जीता। अच्छा। अभी दूसरा दो मैच हमारे गिलगित वालों के है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। सर्द हवाओं में मुनक्किदा पोलो मैच प्री स्टाइल में खेला जाता है। इसमें कोई कानून नहीं होता। ताहम किसी टीम के खिलाड़ी जख्मी होने की सूरत में दूसरी टीम से भी एक खिलाड़ी को कम किया जाता है। फ्री स्टाइल पोलो में घोड़ों के जख्मी होने का भी खदशा होता है। शंदूर पोलो मेले से न सिर्फ मुकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिल रहे हैं, बल्कि इससे सयाह भी खूब लुत्फानंदोज होते रहे। शिरीन ज़ादा, हम न्यूज़, शंदूर, अपर चतराल। 25 साल पहले जो गलत